आज के वीडियो में हम जेड प्लांट से पेंडुलम शेप की टोपियारी बनाएंगे। उसके लिए मैंने ये 6 इंच का टेराकोटा पॉट लिया है और एक मोटी लकड़ी इसको सपोर्ट देने के लिए कुछ जेड प्लांट की कटिंग्स ली हैं, मोटा धागा या तार बांधने के लिए और कैंची। चलिए शुरू करते हैं। अब इस पॉट में मैंने 1/3 मिट्टी, 1/3 कंपोस्ट और 1/3 बजरी मिला के और उसमें थोड़ा नीम खली डाल के मिक्सर तैयार करके गमले में भर लिया है। अब इसमें पेंडुलम बनाने के लिए दो बातें हैं। पहली तो अगर हम पहले से ही डिसाइड कर लें कि हमें कितनी हाइट का पेंडुलम बनाना है तो इस हिसाब से हम ये बीच की लकड़ी लेंगे। मुझे छोटा ही बनाना है इसलिए मैंने ये छोटे साइज की लकड़ी ली है। अब हम इस लकड़ी के चारों ओर थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ते हुए इसमें ये कटिंग लगाएंगे। कटिंग को भी पास पास अच्छे से दबाते हुए लगाएंगे ताकि कोई एयर पॉकेट ना रह जाए। अब चारों तरफ कटिंग लगाने के बाद अब हम इसे मोटे धागे से या तार से बांध सकते हैं। मैंने इसको मोटे धागे से ही बांधा है ताकि प्लांट को कोई नुकसान ना हो। अब दूसरी बात, अगर हमारे पास कटिंग छोटी है और हम ऊंचा पेंडुलम बनाना चाहते हैं तो बीच की लकड़ी तो हम बड़ी लगा सकते हैं और कटिंग छोटी लगा सकते हैं। धीरे धीरे बांधते हुए टॉप तक बांध लें। इसमें लास्ट में धागा तोड़ के और एक छोटी सी नॉट लगा दें। अब इसकी कटिंग करते वक्त हमको नीचे से थोड़ा मोटा रखना होगा और ऊपर जाते जाते हम इसको पतला कर देंगे। अब इसकी कटिंग करते वक्त हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कटिंग हम तने के पास से ही काटें ताकि वो भर जाए। अगर हम खाली आगे की टिप ही काटते हैं तो अक्सर हमारा प्लांट अंदर से खाली रह जाता है। ये मेरे पेंडुलम 6 महीने पुराने हैं तो अभी धीरे धीरे भर रहे हैं, लेकिन कटिंग करते समय मैं हमेशा यही ध्यान रखती हूँ कि मैं इसको लास्ट तने के साथ ही काट। अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।